अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के साथ रेसिपी लेकर आए हैं दही जमाने की। तो देखिए, दही जमाने के लिए हमने एक लीटर दूध ले लिया है, ये देखिए, और अच्छी तरीके से हमने खौला लिया था। खौलाने के बाद इसको ठंडा किया है, एकदम नीम गर्म है ये दूध। इसमें हम अब दही डालेंगे। देखिए ये जामन है, इसको हम डाल देंगे इसमें। मलाई वाला दूध है ये, बहुत बढ़िया दही जम के तैयार होगा। तो इसमें हम दही डालेंगे, ये देखिए, एक इस कोने पे एक चम्मच डालेंगे और एक चम्मच इस कोने पे डाल देंगे, एक चम्मच यहाँ पे डालेंगे और एक चम्मच यहाँ पे डालेंगे और ये बीच में भी डाल देंगे। ये देखिए, बस इसको हिलाना डुलाना नहीं है हमें। जहाँ पर गर्म जगह है, जहाँ पे गर्म बहुत लगती है, वहीं पर इसको हम ढक करके रख देंगे 5 घंटे के लिए। 5 घंटे के बाद ये दही जम करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए, बचा हुआ जितना दही है, सारा दही हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए। और हम बिल्कुल सही तरीके से आपको बता रहे हैं, बताने के लिए तो हम ये भी बता सकते हैं आपको कि 2 घंटे में जम जाएगा, 3 घंटे में जम जाएगा, लेकिन सही तरीके से ये 5 घंटे में दही जम के तैयार होगा। बहुत बेहतरीन दही जम कर तैयार होगा। तो देखिए, सारा दही जितना था प्याली में हमने सब इसमें डाल दिया है दूध में। तो अब इसको हम ढक करके गर्म जगह पर रख देंगे 5 घंटे के लिए, फिर आगे हम दिखाते हैं। तो देखिए, फिर ये 5 घंटे हो चुके हैं, अब हमने इसका ढक्कन हटाया है। तो देखिए कितना बेहतरीन दही हमारा ये जम चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया दही जम के तैयार हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल मीठा मीठा बेहतरीन दही बन कर के तैयार हुआ है। अब इसको चाहे आप बनाएं लस्सी और चाहे बनाए दही के भल्ले, घर का बढ़िया बेहतरीन दही बन करके तैयार हुआ है। देखिए, तो अगर रेसिपी हमारी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।